नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 3 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। और इसी के साथ जीके की ये हमारी 21वीं क्लास है, तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1 दिसंबर 2022 को अपना 60वां राज्य दिवस मनाया? हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, विच स्टेट ऑन 1 दिसंबर 2022 सेलिब्रेटेड इट्स 60th स्टेटहुड डे? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नागालैंड, बी ऑप्शन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। नागालैंड ने 1 दिसंबर 2022 को अपना 60वां राज्य दिवस मनाया। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। हरियाणा की सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना इसको स्टार्ट किया। हरियाणा की सरकार नहीं, प्राणवायु देवता पेंशन योजना। देखो ये दोनों स्कीम हरियाणा सरकार की हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना और चिरंजीवी योजना, इन दोनों स्कीम को राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया। बात करते हैं आसाम सरकार ने, आसाम सरकार ने अरुणोदय योजना और स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना, ये दोनों स्कीम आसाम सरकार ने स्टार्ट की थी। अब बात यहाँ पे नागालैंड की हुई है, तो लोकेशन देखिए आप नागालैंड की, ये है नागालैंड की लोकेशन। म्यांमार के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, तीन राज्यों के साथ भारत के अंदर इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। नीपियो रिहू मुख्यमंत्री हैं, जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं, लोकसभा की एक और राज्यसभा की एक सीटें हैं, विधानसभा की 60 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रसमीन मनहर भाई छाया, आरएम छाया भी आप कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, तीन राज्यों के साथ नागालैंड की बाउंड्री शेयर होती है। सेकेंड क्वेश्चन, सिलहट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया आसाम के अंदर, ए ऑप्शन। आसाम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। और मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात आसाम की हुई है, तो ये रहा आसाम का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आसाम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। बैखो उत्सव असम में मनाया गया। अंबुबाची मेला असम में मनाया जाता है। ताज़ा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उनियन SHG नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह SHG बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्र जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब लोकेशन देखिए आप आसाम की, यह है आसाम की लोकेशन। भूटान, बांग्लादेश, दो देशों के साथ आसाम की इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। और भारत के अंदर किन राज्यों के साथ बाउंड्री लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है, यह आप याद रखेगा। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रसमीन मनहर भाई छाया। 34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। डांस देखें, असम का इम्पोर्टेंट डांस बिहू डांस है। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंती हिल्स, देखो ये तीनों हिल्स मैं इसलिए आपको बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये तीनों हिल्स ये हैं आपकी मेघालय के अंदर, ना कि असम के अंदर, ये आप याद रखेगा। थर्ड क्वेश्चन, अभ्यास अग्नि वॉरियर का 12वां संस्करण भारत और किस देश की सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली में संपन्न हुआ, मतलब महाराष्ट्र में हुआ है। देवलाली महाराष्ट्र में है, राज्य का नाम भी आप याद रखेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की जो सेना है उसके बीच में ये आयोजित हुआ।
महाराष्ट्र के देवलाली में। सिंगापुर की प्रधानमंत्री कौन है? ली सिंग लुंग। प्रेसिडेंट है हालिमा याकोब। अज़रबैजान की कैपिटल बाकू है, करेंसी मनत है, प्रधानमंत्री है अली असदोव, प्रेसिडेंट है इलहाम अलीयेव। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैपिटल है कैनबरा, प्रधानमंत्री है एंथोनी एल्बनीज। कनाडा की कैपिटल ओटावा है और इसके प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो। तो डी ऑप्शन सिंगापुर, ये थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जीके डोस 21 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पुलकेसिन 2, बी ऑप्शन। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये फोर्थ क्वेश्चन है करंट अफेयर का। 2022 में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है ये दिवस। 1 दिसंबर 2022 को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, 26 नवंबर 2022 को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया, 21 नवंबर 2022 को वर्ल्ड फिशरीज डे और वर्ल्ड टेलीविजन डे ये मनाया गया। तो डी ऑप्शन 2 दिसंबर, ये फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जीके डोस 21 का सेकंड क्वेश्चन है, कलिंगा वार टुक प्लेस इन द ईयर, कलिंगा वार किस साल में हुआ था? तो ये हुआ था 261 BC में, ए ऑप्शन जो है ये सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। ये थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? तो ये थे इब्राहिम लोधी, बी ऑप्शन। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है इब्राहिम लोधी। फिफ्थ क्वेश्चन करंट अफेयर का, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने 1 दिसंबर 2022 को किस शहर में भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पर किया? ये किया चेन्नई में, और किसने किया? नाम भी आप याद रखेगा, गिरिधर अरमाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, किसने 1 दिसंबर 2022 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है किसने? संजय कुमार ने, सी ऑप्शन जो है ये सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया? तो ये मनाया गया कौन सा? 58वां स्थापना दिवस, यानी बी ऑप्शन, ये सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, सूर्यदर्शन चक्र कोर द्वारा अभ्यास सूर्यदर्शन प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? ये किया गया कहाँ पर? राजस्थान में, ए ऑप्शन। ये एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, और राजस्थान की सरकार टाइगर कॉरिडोर इसको डेवलप करेगी। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना इसको स्टार्ट किया, ए ऑप्शन, राजस्थान सही आंसर है। ये जीके डोस 21 का फोर्थ क्वेश्चन है, द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 30 साल, यानी सी ऑप्शन जो है ये फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है जीके डोस 21 का, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राज्यसभा, लोकसभा, सी ऑप्शन। ये फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।